जिला परिषद से चोरी हुई गाड़ी में संदेह के आधार पर एक व्यक्ति को लहरिया सदर थाना ने हिरासत में लिया। दरभंगा डीएमसी जेएनएम की छात्राओं का दूसरे दिन भी हड़ताल प्रदर्शन जारी रहा। दरभंगा नाला निर्माण को लेकर के नया मोड़, अब फ्लाईओवर बनने के कारण नाले का रूट किया गया डायवर्ट। दरभंगा डीएमसीएच के न्यू डेंगू वार्ड में एक मरीज भर्ती, अस्पताल प्रशासन ने की दो अधिकारियों की तैनाती। दरभंगा डीएमसीएच अधीक्षक ने दोनों उपाधीक्षकों की अलग अलग ड्यूटी का किया बंटवारा। भाजपा विधायक से समझौते को लेकर पटना से लौटे मोनी बाबा ने कहा, समझौते का प्रयास हुआ लेकिन नहीं लगता होगा। दरभंगा डीएमसीएच में जीविका दीदी को राशि के भुगतान के बाद अब मरीज और परिजनों को दे रही हैं जोश और उमंग के साथ खाना। दरभंगा राय साहब पोखर पर स्थित चित्रगुप्त मंदिर को हटाने का जिला प्रशासन ने ध्यान रखी। ELTF 1 के द्वारा विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के रोहेलागंज के पीली मस्जिद के पीछे पकड़ा गया भारी मात्रा में शराब। मिथिला विश्वविद्यालय मुख्यालय पर प्रोविजनल सर्टिफिकेट एवं मार्कशीट लेने को लेकर उम्री अभ्यर्थियों की भीड़। दरभंगा के जिला परिषद से मोटरसाइकिल चोरी की सीसीटीवी फुटेज खंगालने के बाद पीड़ित पत्रकार ने आज लहरियासराय थाना में उस व्यक्ति को पहचाना। पुलिस ने उसे हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। गौरतलब है कि जिला परिषद कार्यालय में मुखिया की बैठक के दरमियान जब पत्रकार कवरेज करने गए थे, उसी समय ये व्यक्ति जो फोन पर बात कर रहा है वो सीधा आया। हालांकि यहाँ पर कन्फ्यूजन हो गया। एक व्यक्ति जो मोटरसाइकिल पर बैठ रहा है उसका इस घटना से कोई संबंध नहीं था, लेकिन जो पीछे टोपी पहने हुए है वही आता है और बाइक पर बैठकर बाइक को उड़ा ले जाता है। बाद में सीसीटीवी फुटेज लहरियासराय थाना के द्वारा खंगाला गया, जिसमें इस व्यक्ति के चेहरे से मिलता जुलता एक व्यक्ति को आज पुलिस ने हिरासत में लिया है और उसे पूछताछ की जा रही है। पुलिस को उम्मीद है कि यह जल्द ही अपने सदस्यों के साथ बाइक को भी बरामद करा लेगा और उस पत्रकार ने इस व्यक्ति को पकड़कर पुलिस के हवाले भी किया है। देखिए, यह टोपी वाला व्यक्ति जो मोटरसाइकिल पर बैठा हुआ है, अचानक वो चाबी निकालता है और बाइक में चाबी लगाते हुए तुरंत स्टार्ट करते हुए वहां से रवाना हो जाता है। इसके बाद पीड़ित पत्रकार सीसीटीवी फुटेज खंगाला। देखिए, ये टोपी वाला किस तरह लगाया और ये पत्रकार प्रेस लिखी हुई गाड़ी को लेकर सीधा वहां से जिला परिषद कार्यालय से सीधा लहरियासराय टावर की ओर भाग निकलता है। हालांकि पुलिस ने जिसे संदेह के आधार पर गिरफ्तार किया है उससे पूछताछ की जा रही है और उम्मीद है पुलिस को कि इसे एक बड़े नेटवर्क का खुलासा हो सकता है। दरभंगा डीएमसीएच के छात्राओं को अस्पताल प्रशासन के द्वारा हॉस्टल खाली कराने के निर्देश के बाद छात्राएं काफ़ी उग्र हो गई हैं। उनका कहना है कि जब तक डीएमसीएच प्रशासन उन लोगों के लिए अतिरिक्त हॉस्टल की व्यवस्था नहीं करती ताकि उनका क्लिनिकल जो प्रयास है वो जारी रहे। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन और अस्पताल प्रशासन मिलकर उनकी व्यवस्था करे ताकि वो लोग सरकार के द्वारा चयनित जेएनएम की परीक्षा सफल होने के बाद आई हैं। जब तक हम लोगों को छात्रावास नहीं मिलेगा और वो भी कैंपस में, तब तक हम लोग ऐसे ही यहीं बैठे रहेंगे। क्या निर्देश आया, क्या कहा गया? अभी तक हम लोगों को कुछ ऐसा नहीं मिला, मतलब निर्देश दिया गया है। कोई ऐसा उम्मीद और सांत्वना अगर कुछ ऐसा दिया जाए तभी तो, कुछ ऐसा आशा हम लोगों को नजर नहीं आया। दरभंगा के चट्टी चौक से लेकर के गंगापति तक जाने वाले इस बड़े नाले का निर्माण पूर्व भांति चल रहा था। हालांकि अतिक्रमित किए हुए जमीनों को खाली कराने का भी निर्देश दिया गया था। सड़क के बगल में जो नाले का निर्माण हो रहा था अब उसे डाइवर्ट कर दिया गया है। सिंचाई विभाग के SDO के अलावा CI और CO पहुँचे थे। उन्होंने कहा कि अब इसको डाइवर्ट कर दिया गया है, अब नाला निर्माण बगल में होगा, उसके बगल में फ्लाईओवर होगा जो सड़क के किनारे 30 फीट का होगा। ये नहर को जो है तो कि डाइवर्ट करके लेके जाना है और वहाँ से जहाँ से लेआउट होगा फ्लाईओवर का
वो अपना लेकर के जाएंगे फ्लाईओवर के नीचे दोनों तरफ रोड रहेगा, 30 फीट रोड जो दोनों तरफ रहेगा है ना। यही यही तो उन्होंने बताया है कि जो नहीं मैं कौन कौन आए थे कल यहाँ पे, CEO आए थे, CI आए थे और यहाँ सिंचाई विभाग के SDO। दरभंगा DMCH के अधीक्षक डॉक्टर अलका झा ने डॉक्टर हरेंद्र झा जो उपाधीक्षक हैं उनके ड्यूटी का बंटवारा कर दिया है। अब वो मेडिसिन के अलावा दैनिक साथ पावर ग्रिड एवं अन्य जगहों का देखेंगे, जबकि नए उपाधीक्षक को जो पद मिला है वो है इमरजेंसी आउटडोर के अलावा रेडियोलॉजी पैथोलॉजी विभाग, इन सभी का बंटवारा कर दिया गया और सभी ने अपने अपने ड्यूटी को भी संभाल लिया और सभी अधीक्षक को प्रत्येक दिन रिपोर्ट करेंगे। दरभंगा DMCH के न्यू डेंगू वार्ड में एक मरीज को भर्ती किया गया है। कहा जाता है कि ये मरीज बाहर से आया था और डेंगू से पीड़ित था, जिसका इलाज दरभंगा DMCH में चल रहा है, जहां उनके लिए अतिरिक्त मच्छरदानी एवं दवा के साथ 2 जूनियर डॉक्टर एवं 2 पैरामेडिकल स्टाफ की तैनाती की गई है, जो डेंगू के मरीज की लगातार निरंतर देखभाल करेंगी और इसके रिपोर्ट DMCH अधीक्षक को देंगी। हालांकि इनके साथ 4-5 परिजन भी इसमें देखे गए जो चिंता का विषय। दरभंगा पचाड़ी महंत मौनी बाबा पटना गए थे। BJP कार्यालय में सम्राट चौधरी नित्यानंद राय एवं भारतीय जनता पार्टी के सांसद और विधायक मौजूद थे। उस बीच में इनकी पूर्व से चल रही भारतीय जनता पार्टी अलीनगर विधायक मिश्री लाल यादव से विवाद को शांत और समझौता कराने का प्रयास और पहल किया गया, जिसे मौनी बाबा ने कहा कि उन लोगों ने कहा कि आखिर विवाद क्यों है, इससे भारतीय जनता पार्टी की तोहिन हो रही है, इसलिए इस मामले को निपटाया जाए। मौनी बाबा ने कहा कि इस मामले के लिए एक कमिटी गठित की जाएगी। BJP कार्यालय में हम छलो बजायल गेल तो ओतो सम्राट माननीय सम्राट चौधरी जी नित्यानंद राय जी भीखो भाई इस सब छलखिन बैसल छलखिन तो चर्चा चल गेले जे ई आपसी विवादी किया भ रहले हन तो सब प्रस्ताव दलखिन ई है जे ई आइ से नै सदैव से जे समय में लालू सरकार का राज छले ते समय में लालू जी संगे रहै छले और मठ के मंदिर के ई ओही प्रकार के चाहे छथिन जे हम नष्ट करी। ई एखनो BJP में छथि मर BJP जी के विचारधारा के ई नै छथि, ई कोनो विचारधारा के नै छथि, ई नास्तिक विचार के प्रवृत्ति के छथि। दरभंगा DMCH में 3 टाइम खाना पहुंचाने वाली जीविका दीदी के 6 माह से बकाया राशि के भुगतान हो जाने के बाद अब इन लोगों में जोश और उमंग आ गया है। गौरतलब है कि सुबह 8 बजे नाश्ता, 12 बजे खाना और शाम 5 बजे रात का खाना दिया जाता है, जिसका भुगतान दरभंगा DMCH के द्वारा किया जाता है। 6 माह से भुगतान नहीं होने से इन लोग के आर्थिक तंगी से गुजर रही थी, लेकिन अब पैसा मिल जाने के बाद जोश के साथ मरीजों को खाना परोस रही हैं। दरभंगा के जिला प्रशासन CO और CI के साथ अन्य अधिकारी ने आकर रायसा पोखर पर अवस्थित कई वर्षों से बने चित्रगुप्त मंदिर के स्थल को हटाने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि तोड़ने से पहले ही वहां हटा ले। गौरतलब है कि वने और भी मकान हटाए जा रहे हैं। आज चित्रगुप्त समिति की बैठक हुई, बैठक में निर्णय लिया गया कि जिला प्रशासन के अनुसार यहाँ से तत्काल प्रभाव से हटाया जाए। शुक्रवार को विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के रोहेलागंज के पीली मस्जिद के पीछे रवि महतो के घर से भारी मात्रा में ALTF-1 की टीम के द्वारा अंग्रेजी शराब बरामद किया गया। बता दें कि इस टीम का नेतृत्व मोहम्मद अफरोज अहमद कर रहे थे, जिसमें शोभा कुमारी, अनीता कुमारी, सीता कुमारी, केदारनाथ चौधरी, योगेंद्र यादव, रितेश कुमार सिपाही ने इनका सहयोग दिया। बता दें कि ALTF-1 को गुप्त सूचना मिली थी कि जो इसके घर में भारी मात्रा में अंग्रेजी शराब रखा हुआ है, जिसके बाद ALTF-1 की टीम के द्वारा छापेमारी कर शराब बरामद कर लिया गया। आइए सीधे सुनाते हैं क्या कुछ कहना है ALTF-1 के पुलिस कर्मी का। छापेमारी की सूचना के आधार पर छापेमारी की गई थी और 242 बोतल 90 ml का बरामद हुआ और 30 वो कुर्की है 90 ml का, 180 ml का। किसी गिरफ्तारी हुई है? गिरफ्तारी नहीं हुआ, गिरफ्तारी भाग गया, तो हम लोग पीछा कर रहे थे, फरार हो गया। किसको सुपुर्द किया गया? यूनिवर्सिटी थाना को सुपुर्द कर दिया गया। किसके यहाँ से छापा हुआ हमारे से? रवि महतो के यहाँ। नामजद अभियुक्त बनाया जाएगा? हाँ, उस
एएसआई मोहम्मद अफरोजा। किनके द्वारा पकड़ा गया है? एलटीए फोन के द्वारा पकड़ा गया है। एसटीईटी परीक्षा फॉर्म भरने की आखिरी तारीख नजदीक आते ही अपने प्रोविजनल सर्टिफिकेट एवं मार्कशीट लेने को लेकर मिथिला विश्वविद्यालय परिसर में छात्र छात्राओं की भीड़ उमड़ पड़ी। ये छात्र छात्राएं कई वर्षों पुराने हैं जिन्होंने अपने मार्कशीट या फिर प्रोविजनल सर्टिफिकेट नहीं लिए थे, जिसको लेकर अब ये लोग काफ़ी परेशान एवं प्रयासरत हैं। अभ्यर्थियों की भीड़ इतनी है कि मिथिला विश्वविद्यालय प्रशासन को इस भीड़ को संभालने के लिए कई काउंटर खोलने पड़े, आखिर यह भीड़ नहीं संभली। वहीं मौजूद कई छात्र छात्राओं ने भी अपनी बातें कही। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय प्रशासन हम लोग को आजकल करके टहला रहा है, लेकिन हम लोग को न प्रोविजनल सर्टिफिकेट दे रहा है और न ही मार्कशीट। आइए सीधे सुनाते हैं इस संदर्भ में क्या कुछ कहना है इन अभ्यर्थियों का। प्रोविजनल लेने के लिए आए थे हम लोग, कल परसों अप्लाई किए हुए हैं। अभी 11 बजे से यहाँ यूनिवर्सिटी में गेट लॉक है, अभी तक कोई प्रोविजनल नहीं किया। यहाँ पे बहुत दिक्कतदारी है, प्रोविजनल मिल नहीं रहा है यहाँ पे। दिक्कत में क्या आ रही है? दिक्कत में देख ही रहे हैं आप, अभी तक हर डिपार्टमेंट में ताला लगी है, सब अंदर में बैठे हुए हैं, काम यहाँ पे नहीं हो रही है। हम लोग यहाँ पे बाहर में परेशानी चल रही है। 6 बजे वाला कहाँ से आए हैं? हम तो यहाँ से स्टेशन पर रात गुजार। वाइटल बायोलॉजी सेंटर गुरुजी ओपी राय 25 वर्षों से दरभंगा में लगातार छात्र छात्राओं को मेडिकल एवं ट्वेल्थ के क्षेत्र में सफलता हासिल कराने वाला एकमात्र संस्थान।